इस्कॉन टेम्पल भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर की स्थापना दिल्ली में सन 1998 में अच्युत कानविंदे द्वारा की गई थी। ये मंदिर न्यू दिल्ली के कैलाश क्षेत्र के पूर्व में हरे कृष्णा हिल्स में स्थित है। इस्कॉन टेम्पल पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर बने हुए हैं। इस्कॉन का पूरा नेम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इस्कॉन टेम्पल की स्थापना सबसे पहले 1966 में न्यूयॉर्क में श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा की गई थी। इस मंदिर की सभी मान्यताएं 5000 वर्ष पुराने सनातन धर्म ग्रंथ भगवद गीता पर आधारित है। इस मंदिर के द ग्लोरी ऑफ इंडिया वैदिक कल्चर सेंटर में 800 केजी भारी और 2.8 मीटर चौड़ी अचरज भगवद गीता है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 फरवरी 2019 को किया गया। इस मंदिर का इनॉग्रेशन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। भारत में सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल बेंगलोर कर्नाटक में है। ये मंदिर पूरी तरह से नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य करते हैं। आज हम आए हैं इस्कॉन टेम्पल दिल्ली, हम आपको दिखाते हैं अंदर का रूम। एंड आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। राधे राधे। इस्कॉन टेम्पल हर दिन सुबह 9 बजे से सभी श्रद्धालुओं के लिए ओपन हो जाता है, 1 बजे से 4 बजे तक या कुछ समय के लिए क्लोज रहता है, और फिर शाम 4 बजे से पुनः ओपन होकर रात के 9 बजे तक ओपन रहता है। चलिए इस मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, वो हरे रामा हरे कृष्णा भजन का आनंद लेते हैं, और उसके बाद हम भगवान विष्णु जी के अवतार और भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि जब भी पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान विष्णु जी के इस पृथ्वी पर 24 अवतार हुए, जिसमें से 23 अवतार अवतरित हो चुके हैं। 24वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होना बाकी है। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं। अभी हम आगे इस वीडियो में इन्हीं 10 अवतारों के बारे में अच्छे से जानेंगे। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु जी का पहला अवतार है। इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुरा कर समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें फिर से स्थापित किया। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार। यह अवतार में भगवान ने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया था। वराह अवतार के बारे में हम कांतारा मूवी में भी देख चुके हैं। कच्छप अवतार। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। कच्छप अवतार में श्री हरि ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मंदर पर्वत को अपने कवच के ऊपर संभाल कर रखा था। मंथन में भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी सर्प की मदद से देवताओं और राक्षसों ने 14 रत्न पाए थे। नरसिंह भगवान। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार नरसिंह है। यह अवतार में लक्ष्मीपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे। इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का। नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप को मारा था। वामन अवतार। भगवान विष्णु के 5वें अवतार में है वामन। इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे
और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन ने अपने पैर से 3 लोक नाप कर राजा बलि का घमंड तोड़ दिया। परशुराम। विष्णु के अवतार परशुराम राजा प्रसेनजीत की बेटी रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र थे। 10 अवतारों में से वह 6वां अवतार है। जमदग्नि के पुत्र होने की वजह से भी इन्हें जामदग्नि भी कहते हैं। वह शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परशु शस्त्र दिया था। इनका नाम राम था और परशु लेने के कारण वह परशुराम कहलाते थे। श्री राम अवतार। विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। महर्षि वाल्मीकि ने राम की कथा संस्कृत महाकाव्य रामायण में लिखी थी। तुलसीदास ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस की रचना की थी। राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पहली रानी कौशल्या के पुत्र थे। श्री कृष्ण। यशोदा नंदन श्री कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार थे। भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानी है। इनके गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन, वासुदेव, मोहन, माखन, चोर, मुरारी जैसे अनोखे नाम हैं। यह मथुरा में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी। वह इस युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। उन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक बुद्ध भी हैं। इनको गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी कहते हैं। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश शुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम बुद्ध अपनी शादी के बाद बच्चे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार का मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए मार्ग पर निकल गए थे। कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णुयसा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे।